मित्रों, जय भीम। मैं बबन रावत महादलित परिसंघ के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए झारखंड के धनबाद अपने सहयोगी साथी चंदन रावत जी के साथ पटना हटिया सुपरफास्ट से अभी हम लोग रात्रि के 3:45 पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन गोमो में उतरे हैं। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद हमें आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि हमारे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष अशोक राम जी के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश के टीम यहां पहुंची हुई थी और हम लोगों का अभिनंदन झारखंड प्रदेश के महादलित परिसंघ के टीम ने किया। हमारे साथ इस समय बीच वाली सीट पर झारखंड प्रदेश के महादलित परिसंघ के अध्यक्ष अशोक राम जी दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में चंदन रावत जी हैं और उनके दाहिनी ओर हजारीबाग जिला अध्यक्ष लखन हरि हैं और हमारे दूसरी तरफ ध्रुव हरि जी हैं जो महादलित परिसंघ झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता हैं और धनबाद जिला अध्यक्ष हैं, और सबसे पीछे बैठे हुए हैं बासु जी और विकास जी जो पीछे से जय भीम कर रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं। हम लोगों के छोटे भाई परिसंघ के कार्यकर्ता, और इस समय चारों तरफ अंधेरा है और हम लोग बाय रोड गोमो स्टेशन से धनबाद के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। रास्ते में हमारे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष अशोक राम जी ने महादलित परिसंघ द्वारा जो पिछले 2 साल से आंदोलन किया जा रहा था कि राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन हो और यहाँ जो महादलित सरकारी ज़मीन पर या गैर मजरुआ ज़मीन पर जहाँ भी बसे हुए हैं उनको बासगीत पर्चा दिया जाए, हाल में झारखंड प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर शेड्यूल कास्ट कमीशन गठित करने का निर्णय लिया है और जो लोग सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं उनको बासगीत पर्चा देने का भी निर्णय लिया है। हमारे साथ अशोक राम जी हैं। अशोक राम जी, आपने इस आंदोलन का खुद नेतृत्व किया है, आप बताएं आपको कैसे सफलता मिली इस आंदोलन में? सर, महादलित परिसंघ का प्रदेश टीम जो है पूरे तन मन धन से इस आंदोलन को मुख्यमंत्री से मिलकर, राज्यपाल से मिलकर, विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर अपनी एजेंडा को रखा, महादलितों का दुख दर्द को रखा और लगातार यहाँ पर जो है आंदोलन, सम्मेलन, महाधरना का कार्यक्रम हम लोग महादलित परिसंघ के बैनर के तले किया, जिसमें कि मुख्य मुद्दा हमारा राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन हो, राज्य में महादलित आयोग का गठन हो और विशेषकर हमारे जो महादलित स्वच्छकार समाज हैं जो नगर निगम के द्वारा सैकड़ों वर्षों से जो गंदी बस्ती में बसाया जाता है उनको अभी तक जो मालिकाना हक नहीं मिला था, जिसके कारण से हमारे लोगों में ये हमेशा डर बना रहता था कि कभी भी हमारा घर उजाड़ा जा सकता है, कभी भी अतिक्रमण में हमारा घर को तोड़ा जा सकता है, यह मुद्दा को जो है मरमाहत करते हुए बेसिकली हम लोग सरकार को अनुग्रह विग्रह किया, आंदोलन किया कि इसको, इस मुद्दा को समाधान किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा और परिसंघ के नेतृत्व को स्वीकारा और उन्होंने आज कैबिनेट में यह डिसीजन आ गया है कि 1985 से पूर्व जो भी इस तरह का सरकारी ज़मीन में निवास कर रहा है उसे ज़मीन का पट्टा दिया जाएगा, जिससे हम महादलित स्वच्छकारों के बीच में बहुत खुशी है क्योंकि हमारे समाज के लोग सैकड़ों वर्षों से इस तरह का गंदी बस्ती नगर निगम के द्वारा बसाए ज़मीन पर निवास करते आया है और सरकार की जितनी भी योजनाएं आती थी वह पुनः वापस लौट जाती थी ज़मीन के अभाव के कारण, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय का निर्माण जो चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, सभी योजनाएं जो है वो विधिवत वापस लौट जाता था ज़मीन के अभाव के कारण। तो इस तरह से इस कानून के बनने से हमारे लोगों को जो सरकारी योजनाएँ हैं वो मिलेगा, अपना पट्टा मिलेगा, अपना आवास होगा, अपना घर होगा और एक समृद्ध सामाजिक जीवन व्यतीत करने में लोग बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड प्रदेश महादलित परिसंघ के टीम को, आपने ये लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई के बाद
आप लोगों को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। एक बार फिर से आप सबों को जय भीम, जय भीम।